चलो यार, मंडे मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, निकल गया मैं ऑफिस के लिए। और कैसे हैं आप सब लोग? सुबह उठ के ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन सा लग रहा था और बस। तो चलो अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं। बाहर मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। देखो कितनी अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। और ठंड में यार धूप निकल जाए तो बस सोने पे सुहागा, यही चाहिए। इस समय सबसे मज़ा आता ना, मूंगफली खाना, चटाई पे बैठना धूप में दोपहर में बाहर। और हमारे सोसाइटी में जो पार्क है वहाँ पे देखना, दोपहर में लोग दबा के बैठते हैं, पूरा इंजॉय करते हैं। भाई ये BYD की गाड़ी क्या फाड़ है यार, लुक्स देखो जरा, एक नंबर। आप भी देखो क्या प्रीमियम लग रही है ये गाड़ी, सुपर प्रीमियम। हाय हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? दो दिनों से सबका तबीयत बहुत ख़राब चल रहा था, तो कल आज का मतलब आज जो सुबह ब्लॉग जाना था वो नहीं जा पाया। सौरभ को भी बहुत जुकाम और मेरे को भी, तो एक सप्ताह से सर्दी जुकाम लगा ही हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो कल एकदम संडे ऐसा बीता है कि सब लोग एकदम पूरे दिन सोए रहे, पड़े रहे। आन्या को भी बहुत खांसी था, पूरी रात वो सोई नहीं है ना, हम लोग को सुन दिए खांस खांस के। आज सुबह थोड़ा ठीक लगा तो उसको स्कूल भेजे हैं। और मौसम क्योंकि अभी प्रॉपर ठंड भी नहीं हो रहा है, एक हो कि ठंड स्टार्ट हो जाए तो फिर बॉडी ये हो जाता है, ये नवंबर वाला जो थोड़ा थोड़ा ठंड आ रहा है फिर जा रहा है वही वाला हो रहा है। तो चलो आज का दिन का शुरुआत करते हैं। आप सब कैसे हो? मैं अभी बस कपड़े उपड़े सब सुखा रही थी, कुछ सर्दी के कपड़े निकाली हूँ। फिलहाल देखो सारे कपड़े धूप में लगाई हूँ, और कुछ अचार बनाया था तो उसको भी मैं धूप में रखी हूँ। ये देखो मस्त सा अचार बनाई हूँ, आंवला है और हरे मिर्च के साथ, तो एकदम यम्मी यम्मी अचार बना है, पक गया ये, आज खाने लायक हो जाएगा। ये थोड़ा सा ओल और लहसुन का अचार है, ठंड में खाने में बहुत हेल्दी रहता है। तो ये तो मम्मी ने बना के दिया था बैंगलोर से। और सारे कपड़े पड़े हैं बिखरे हुए, ये देखो, तो सब थोड़े इस रूम में ना पूरा प्रॉपर बिस्तर पे धूप आता है, तो मतलब थोड़ा सा धूप लग जाए कपड़े में उसके बाद सारा फोल्ड कर देंगे ना, जो स्मेल होता है ना कपड़े में वो नहीं आता है। तो बस ऐसा ही है यार, हम काम चल रहा है। सौरभ भी निकल गए हैं, आन्या भी स्कूल गई है, अभी हमारा सारा स्टार्ट हो रहा है काम। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है आपको दिखाते हैं। आज ब्रेकफास्ट में बनाई, ये देखो साबूदाना का खिचड़ी बनाई थी, मस्त वाला, देखो कितना सुंदर बना है। खाने में भी पता नहीं सौरभ को खाए अभी, हमने खाए, टेस्टी होगा। तो यही है सुबह का, तो चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। और थोड़ा गार्गल भी करेंगे, थोड़ा नमक और नमक पानी के साथ, क्योंकि ये थ्रोट पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मतलब जैसे कुछ भी खाओ ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो दो तीन दिनों से ना, मतलब दो दिन मैंने किया नमक पानी फिर भूल गई, आज दो तीन बार करेंगे तो बहुत राहत मिलेगा। चलो गाइस थोड़ी देर में फ्रेश व्रेश होके मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। हेलो गाइस, आज मैं अपने बर्थडे में ग्रीन वाला फ्रॉक पहन सकती हूँ, जो मोटा वाला है प्लीज। कौन सा? जो मोटा वाला जो पार्टी में पहनी थी। नहीं प्लीज, आपको दूसरा एक फ्रॉक पहना है, अच्छा वाला। गाइस आज मम प्लीज, मम्मी प्लीज, तुमको क्या पुराना ही फ्रॉक पहनना है, नया नहीं पहनना है? मम्मा मुझे अच्छा लग रहा था वो वाला ग्रीन वाला। ग्रीन वाला बहुत अजीब है बेटा, दूसरा वो मुझे चुन-चुन भी करता है। हाँ। हाँ, तब भी तो भूल रही मम्मा। अरे मुझे ये होता है खुदली पुदली, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, टीचर ही दी है। वो लास्ट ईयर का है गाइस, तुमको पता ही लास्ट ईयर का है, तुमको पता है लास्ट ईयर का है। देखो अजीब बात है, पुराना हो गया, न्यू भी नहीं रहा, बहुत जल्दी है, फ्रॉक को बहुत पुराने का मन कर रहा है। देख लो, पहनना ही है, सब तो पहनता ही है। लड़
लड़की लोग तो वही तो पहनती है, लड़की लोग तो यही तो पहनती है क्या? वो फ्रॉक ब्यूटीफुल सा ग्रीन वाला। हाँ तो ठीक है ना, आपके लिए हम शॉपिंग कर लेंगे फ्रॉक का। एक दिन अर्जुन मार्केट जाना है? एक दिन अर्जुन मार्केट जाना माओ, अच्छा अच्छा अगर लोग खरीदेंगे ना अच्छा अच्छा फ्रॉक ब्यूटीफुल गर्ल्स का, ले लेना बर्थडे में पहन लेंगे। एक और बर्थडे आएगा तो बिग बर्थडे आएगा ना, जब वही पहन लेगी तब तक उसको पहन लेते ग्रीन वाला बर्थडे में। तो बर्थडे आने वाला है तो आने शॉपिंग का बात करेंगे, देखो क्या क्या चाहिए। मुझे तो बस बटरफ्लाई वाला पंख चाहिए बस, ओके मम्मी और कुछ मत खरीदना, बस सारा का सारा कैंसिल कर देना, बस वही खरीदना, बस वही खरीदना, वो बस टेबल खरीदना, एक बटरफ्लाई वाला पंख हो गया बस। तुम अपनी तरफ कैमरा करके बोलो ना, मेरी तरफ क्यों? गाइस अजीब बात है कि ये जल्दी पड़ गया है फ्रॉक को कि पुराना होना पता नहीं गाइस, अब बंद कर देते हैं। रात को रात को नहीं, अरे अभी का खाना नहीं खाओगी? अरे भाई मैं बोल रही हूँ माँ कल आपको, आज मैं आपको याद दिला दूंगी रात को, इसीलिए कि फ्रॉक खरीदना मुझे। अच्छा अभी खाना खाना है ना? मम्मी आ जाएगा वो डिलीवरी। खाना खाना है कि नहीं? अभी खाना है साबुदाना यूमी। चलो गाइस ऑर्डर कर दीजिए आज, क्योंकि वो आ जाएगा। ये देखो आने को बहुत पसंद है साबुदाना का खिचड़ी, तो हमने बनाया साबुदाना, सुबह ही बनाए थे ब्रेकफास्ट में। आना को मालून में टेस्ट किया था, वो दीदी बनाई थी जो। अच्छा हाँ मम्मी भी तो बनाती है, पर आप खाते नहीं थे पहले, अब आपको टेस्ट पता चल गया तो आप खा रहे हो। खा के बताओ कैसा बना? बहुत अच्छा, अभी तो खाए भी नहीं है भाई। अभी तो खाए भी नहीं है। खाओ टेस्ट करो, कोई अच्छा फ्रॉक खरीदना पहले खाओ तो पहले टेस्ट तो करो, देखना आराम से। अच्छा बनाई मम्मी, देखिए थोड़ा मुंह देखिए आलिया का, शक्ल तो दिखाओ खा लो बाय गाइस, अभी तो ब्लॉग खत्म का, अभी तो रात पे एंड होगा ना। अरे नहीं भाई मैं बोल रही हूँ कि शाम में तो करूँगी, लेकिन मैं जब अभी तो सोगी ना सोने खा के सोने के लिए सबसे पहले आने तैयार रहती है हमेशा मम्मी हमको सुलाती नहीं है। अच्छा ठीक है आज सो जाना थोड़ी देर, ठीक है फिर थोड़ा देर पढ़ाई कर लेना। ओके चलो, सर पे हाथ रख के नहीं खाते बेटा। क्यों नहीं खाते? आराम से खाओ बैठ के, ठीक है? क्यों सर में हाथ नहीं खाते? नहीं खाते सर पे हाथ रख के, चलो खाना खाओ। क्योंकि हम लोग बोर हो जाते हैं खाओ थोड़े दिन में तुमको समझा देंगे, पहले खा लो। चलो अचार को बॉम में डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा और मैंने तेल डाला है। अब यहाँ पे किचन में धूप आएगा तो यहीं पे रख देती हूँ, थोड़ा धूप भी लग जाएगा और इसके अंदर। और मेरा भी खाना देखो आज दोपहर का यही है, साबुदाना का खिचड़ी और थोड़ी सब्जी, बस इतना में हो जाएगा हमारा। तो चलो हम भी खाते हैं, क्योंकि सर्दी के कारण कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, मन भी नहीं हो रहा है खाने के लिए, और एक्चुअली हेवी खाने का मन नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा लग रहा है दोपहर वोपहर का खाना एक बार स्किप करो। तो आज यही है थोड़ी सी सब्जी, लेकिन थोड़ा तो तीता बनाए मम्मी, कोई बात नहीं। क्या थोड़ा तो मम्मी तीता बनाई है? तुम्हारे मुंह में मिर्ची चला गया होगा। नहीं मैं तो खा अब मैंने स्टार्ट किया है ना मिर्ची खाना, तो अभी वो स्ट्रेन बड़ा होएगा, तो वही तुमने बोला था ना दिमाग स्ट्रांग हुआ, मैंने सोचा कि खा लो टेस्टी लगा, खा लो कोई नहीं। बाय गाइस, देखो जी हमारा चाय बन रहा है गर्मा गर्म, एकदम अदरक वाला चाय मस्त वाला। आवाज़ ऐसा बैठा हुआ है ना दोस्तों गला के कारण, कि मतलब बोलने में भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, फट डालना पड़ रहा है, बहुत पेन हो रहा है, जबकि मैंने गार्गल और ये सब कर लिया। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं दवाई भी खा रही हूँ, साथ में दवा भी ले रही हूँ। तो चलो यार अभी थोड़ा सोचे रात का खाना वाना कभी तैयारी कर दें, रोज का देखो हमारा मतलब यही है, सुबह दोपहर खाना बढ़िया चाहिए खाने के लिए,
ठंड आ गया, सर्दी आ गया, तो खाना तो बिल्कुल यमी यमी चाहिए। तो अभी आने को अपने क्लास जाना है फिटनेस, तो वो भी दूध दिया है उसको। ये देखो कैसे मुंह बना के पी रही है, देखिए। ये भी सो गई थी, अभी ठीक है थोड़ा बेटा खांसी। कौन से आई है कोशा, मतलब एक्चुअली मैं इसको जानती हूँ। तुम लोग सब कौन जाते हो? हाँ। अच्छा, तो ये क्या टीम मेंबर की तरफ से है क्या? हाँ, कुछ नहीं, हम ना एक ग्रुप जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें अच्छा बच्चों का ग्रुप है वहाँ, तो नहीं मम्मी पापा के साथ ना। हाँ बताओ। हाँ मैंने दिया ना, चेंज है? चेंज 200 का है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रख लो। 30 रुपीज है चेंज किसी के पास? 30 तेरे पास है? 220 है चेंज। ठीक है चलेगा, कोई नहीं, अब ये कर लो, आप रख लीजिए 200। ठीक है। अच्छा ये हिंदी वाला है? हाँ, चलो लेकिन कोई बात नहीं, चलो भगवद गीता। ऐसे हम भी जाते हैं तो मैं तो मिले होंगे ना इस्कॉन कितनी बार। तो ये मतलब ऐसा है क्या, क्या कुछ लिमिट है क्या, इतना बुक डालना है, मतलब सबको डालना है ना? जैसे कोई भी आप कितनी भी बुक्स खरीद सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स को देने के लिए। अच्छा। और आप स्पॉन्सर भी कर सकते हो कि हम पैसे दे रहे हैं पर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ताकि हम फ्री बांट पाए, मतलब ऐसे पब्लिक स्कूल। अच्छा वही मैं जानना चाह रही थी। चलो ये देखो जी, ये बच्चों ने देख के हमें गए गीता, ये इस्कॉन की तरफ से है। तो चलो जी मंदिर में रख देते हैं इसको। मैं देखो अभी शाम का दिया हुआ भी सब जलाया है फटाफट से, शाम हो गया है 6:30 बज रहा है इसमें। चलो जी बहुत बढ़िया, मस्त तड़का मसूर दाल का पक गया है, टमाटर प्याज सब इसमें मैश हो गया है एकदम अच्छे से। और बढ़िया सा एक इसमें अभी तड़का लगाऊंगी, कस्तूरी मेथी, घी, जीरा, हींग और कुछ नहीं, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जब खाएंगे तब इसमें तड़का लगाएंगे। अभी जा रही हूँ रोटी सेक लेती हूँ फटाफट, आटा लगा लिया है। और सौरभ को थोड़ा चावल भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सुबह खा के गए, मतलब टिफिन लेके गए थे रोटी, तो हर वक्त रोटी रोटी तो नहीं होगा, थोड़ा सा उनके लिए चावल भी बना देंगे। हाँ मम्मा थोड़ा सा आपके लिए मिलती है, अच्छा पसंद है आने को। चलो ठीक है, मम्मी हमेशा मेरे पसंद का लेती है। चलो जी सूप पीना है ना? हाँ। तो सूप बन गया है। मम्मा आज मेरे लिए फ्रॉक ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा हटो हटो घर में बेटा, सो यम्मी यम्मी सूप। यम्मी। वाह। मैं तो नमकीन डाल दूंगी। ठंड में गर्मा गर्म सूप का मजा लेते हैं हम लोग, है ना बेटा? क्योंकि अभी ठंडा आ रहा है। हाँ यस, अब ये थोड़ा सा पापा के लिए रख दे रही हूँ। आज थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया, हमको आने में 8 बज गया, अभी तक आई नहीं है क्योंकि ऑफिस का काम बहुत हो गया है लगता है, या फिर मीटिंग चल रहा होगा तभी। बेटा अभी सारा मत खाओ, अभी डिनर करने का थोड़ी देर में टाइम हो रहा है, 30 मिनट में डिनर करोगी। ओके सर्दी में एक अलग आनंद आता है, गर्मा गर्म सूप पीने का मजा ही है, कुछ और होता है। चलो जी आ जाओ, कम वो छोड़ो, सूप पियो हेल्दी। ओए क्या खा रही है? मुझे बोलो बर्थडे गर्ल। अभी टाइम है। बट मेरी बच्ची बहुत समझदार है। मस्त बनाया दाल। देखो आज ये है मसूर का दाल ना, मिक्स है। चार अच्छा बना। अच्छा ये बाहर से नहीं आया क्या? बाहर का जा रहे, घर पे बनाया। लोग तो ऐसा ही सोचेंगे ना। नहीं घर का जा रहा है, लगा टेस्टी बना है ना। ये देखो ये तो हम लोग को बस दिखा रहे, बाकी लोग अपने से सोचना इसका टेस्ट कैसा होगा। देखो गाइस मुझे अच्छा लगा। देखो ये क्या चीज का दाल है? अरे ये तो मसूर है यार, गोटा वाला। वही तो है मसूर का। तो तुम बोले मिक्स है। मसूर और मूंग है, दो चीज बस। अच्छा मूंग भी डाली हो क्या? सिंपी खा रही है रोटी, मेरे को बिल्कुल मन नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। आन्या बहुत अच्छा है, अपने से खाती है मेरा बच्चा। देखो वाह उसका हाथ कितना अच्छा से एकदम बंधाने लगा है, जैसे बांध के खाने वाला, पहले नहीं खा पाती थी।
वेरी गुड बेटा, अचार लगाओ, अचार ऐसे कट करो, अचार तो इनको जितना दे दो उतना कम। सब हेल्दी अचार खाती है, ऐसा नहीं कि आवडा नहीं खाई हो, सब खाती। अब तो हरा मिर्चा भी खाने लगी है। हरा मिर्चा दो दो दो, साबूदाना का खिचड़ी पूरा। हरा मिर्चा दो, खाओ बेटा, टेस्टी बनाई हमने। थैंक यू। इतना साबूदाना का अच्छा खिचड़ी तो हम खाए नहीं। ओ भाई डाल चावलवा में मिक्स करके खा जाओ। है देख खाएगी अभी। देखो बाप रे बाप, जैसा मिर्चा खाती है, गजब है भाई लड़की। अब मिर्चा अच्छा लगता है तुमको? चलो अब तुम्हारे गोलगप्पा में मिर्चा डलवा देंगे ना। देखा आन्या को मिर्ची खाने लगी है। बच्चा लोग जो है ना अपने माँ बाप के रास्ते पे एकदम चलना शुरू कर देता है, और इतना समझदार होते जा रही है ये लड़की धीरे धीरे। नहीं अभी समझदार नहीं, बुर्बक है अभी, समझेगी जब समझ में आए, बट बड़ी हो रही है यार। चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पे जाकर साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसको बस दबा दो यार। और आप लोग यार वीडियोस तो देख लेते हो बट कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ यार थोड़ा कमेंट करो, हमें भी पता चले कि आपको हमारा ब्लॉग में कुछ अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, या फिर ब्लॉग आया आपने देखा एक मिनट के लिए हटा दिया। कुछ अच्छा लगे तो यार थोड़ा कमेंट कर दिया करो, और कुछ सजेशन है आपके तरफ से तो हमें बताओ। वैसे तो यार सर्दियों का मौसम आ गया है और बिल्कुल मन कर रहा है अभी। मेरा एक्चुअली क्या है ना कि साल का छुट्टी जो है वो बिल्कुल दिसंबर ख़त्म होते पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कहीं छुट्टी मनाने जाऊँ। कहाँ जाऊँ इस सर्दी में आप बताओ। चलो इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं अंत, और मिलते हैं हम आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय फॉर नाउ।